चलें चलते हैं यहाँ पर, अभी देखते हैं कि हम इस तरह का विजिटिंग कार्ड फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं। यहाँ से हम फोटोशॉप में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे इंचेस पर, 3.6 पर 2.2 इसका साइज़ रखेंगे, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो 3.6 है और जो इसकी हाइट है वो 2.2 है, ठीक है, और रेजोल्यूशन जो है इसकी 100 है, ये आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर इंचेस में रखनी है, पिक्सल्स में नहीं रखनी, ओके कर देंगे, तो ये आपके सामने एक विजिटिंग कार्ड बन के आ जाएगा। उसको डबल क्लिक करके अनलॉक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके आपने एक नया लेयर ले लेना है। नया लेयर लेने के बाद यहाँ से क्लिक करना है शेप पर, और यहाँ से क्लिक करके फिल पर जाना है, और यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसको ला के यहाँ पर करेंगे, ठीक है। कंट्रोल टी दबाएंगे, अब यहाँ से इसको उठा के ऊपर रख लेंगे और इसको उठा के आगे कर देंगे, क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, एडिट में जाएंगे, स्क्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसको इस तरीके से आगे कर देंगे। स्क्यू कमांड से हम ये सारा काम इजीली ले लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ाना है तो इसको एडिट कंट्रोल टी करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस तरह से आगे करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से और इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ से एडिट में जाके इसको क्लिक करेंगे, स्क्यू के ऊपर यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करना है, कंट्रोल टी दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लगाएंगे, ये कलर लगाएंगे इसके ऊपर, क्लिक करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से क्लिक करके एडिट में जाएंगे, स्क्यू पे क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको स्क्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे ओके करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक शेप लेंगे, पॉलीगोनल क्लिक करेंगे, यहाँ पे 100x100 थ्री साइड पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रे कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसको उठा के इसके नीचे रखेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, यहाँ पे रखेंगे उठा के, ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से उठा के इस तरह से आप इसका शेड बना देंगे। शेड पे कोई और कलर भरना है तो डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे जाके यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज नाम लिख देते हैं, सिलेक्ट ऑल क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं फॉन्ट को, कंट्रोल टी दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आके अब हमने अगर अपने नाम को थोड़ा सा छोटा करके दिखाना है या फॉन्ट को थोड़ा सा नॉर्मल करना है तो रेगुलर फॉन्ट कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें, थोड़ा सा कंट्रोल एस करके सेव कर दें, डॉक्यूमेंट्स में जाएं, यहाँ से क्लिक कर लें पीएस फाइल्स के ऊपर, तो यहाँ से आप चले जाते हैं हम इसके अंदर नोवाइस के अंदर, नोवाइस में जाने के बाद प्लस ये 9 और यहाँ पे फर्स्ट आईडी कार्ड के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी है। CS6 में तो देखो ये शेप्स जो है ना आपको मिल जाएंगे
सब हाउ, लेकिन 2021 का जो वर्जन है उसमें ये शेप्स अवेलेबल नहीं है, फिर आपको इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे। लोकेशन की और इसकी सर, हाँ तो यहाँ से हम लेते हैं ये लक्स टू और इसको इस तरह से बना लेते हैं, इसमें किस तरह का क्लिक कर लेते हैं, ये कलर मैं लेना चाह रहा हूँ लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ इससे, तो क्या करूँ, मैं शेप पर डबल क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर, कंट्रोल सी से क्लिक करता हूँ, शेप पर डबल क्लिक, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से, ठीक है, कंट्रोल टी से, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। क्या रखेंगे इसमें, इमेज की रेजोल्यूशन लास्ट में बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा सा अभी ये थोड़ा जो फेड हो रहा है वो सेट हो जाए। अब यहाँ पे हमें लिखना है जो भी अपनी कंपनी का नाम, जैसे न्यू वोल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करेंगे, अच्छा फिर डाउनलोड करने पड़ेंगे नेट से, वो पिक्सल फट जाते हैं सारे फोन से। नहीं नहीं वो फटते पता है क्यों है, ये इसलिए फट रहे हैं भी बताता हूँ मैं, वो क्यों फट रहे हैं पिक्सल, जैसे ETS का फॉन्ट है या फ्रैंकलिन फॉन्ट है, फ्रैंकलिन फॉन्ट को यूज़ करें आप, ये अच्छा फॉन्ट है, न्यू वोल्यूशन लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है, न्यू वोल्यूशन लिख के हम यहाँ पे कंट्रोल टी दबाते हैं, फट तो इस पर भी रहा है पिक्सल, लेकिन वो फट क्यों रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा नहीं वो सही नहीं लिख दिया, बल्कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा और एडिट कर दिया, इसको क्लिक कर दिया, एक एंटर दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं राशिद, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और राशिद लिखने के बाद यहाँ से इसको कंट्रोल टी से बात करते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया, और उसके बाद हमने एक लाइन ली यहाँ से शेप के तौर पे, इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये इधर आ गया, और यहाँ पे जाके हमने सेव किया, होने दो होने दो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और यहाँ पे हम लिखने के बाद और इस पर हमने लिख दिया
ठीक है, ये हमने इस तरह से बना दिया। बाकी ये इन्फॉर्मेशन फिर आपने यहाँ पे अपनी अपनी पुटअप कर लेनी है लगा के इसके साथ। अब आती है बात कि भाई ये तो फेड हो रहा है और मेरा तो कार्ड, जब ये सारा कर लें आप काम, मतलब ये टेक्स्ट भी आप लिख चुके हैं, कलर इफ़ेक्ट्स वगैरह भी सेट कर चुके हैं, फिर आप जाएंगे इमेज में और इमेज साइज़ में, यहाँ पे साइज़ ये रखेंगे, रेजोल्यूशन बढ़ा के 300 करेंगे इसको। ठीक है, हो गया सेट ये सारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो और अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो 300 से बढ़ा के आप उसको क्या कर देंगे 600। हाँ, लेकिन उसके लिए उतना कंप्यूटर अच्छा चाहिए, फिर जब आप इसमें एडिट करेंगे तो फिर कंप्यूटर टाइम लेगा, इसलिए हम पहले 100 की रेजोल्यूशन पर रख के जितने काम है सारे निकाल लेंगे, जब ये फाइनल टच हो जाएगा बाद में इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा के, हाँ सेव करते रहेंगे, बाद में रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे, तो ये आपका परफेक्ट लुक इस पर बन गया। ठीक है, समझ में आ रही बात।